विकास को योगी जी ने किया। योगी जी बोले तो योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद एलिवेटेड रोड की फोटो देखकर विकास के बड़े बड़े विधाता माथा पकड़े बैठे हैं। ऐसे तो सच में नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ ने तो आसमान में नहर बना डाली है। बताइए, योगी जी ने 1147 करोड़ रुपया लगाकर इतनी बढ़िया हैंगिंग झील बनाई और बताने वाले इस रिकॉर्ड पर खुश हो सकते हैं कि 4 घंटे के समय में हमने इस झील का निर्माण किया है और वो भी आसमान में। नासा वालों का सारा साइंस फेल हो गया है। नीचे रोड, ऊपर रोड और बीच में झील, मतलब हैंगिंग गार्डन सुना था, हैंगिंग रेस्टोरेंट भी सुना था, हैंगिंग होम भी सुना था। दुनिया के कुछ देशों में हैंगिंग रिजॉर्ट टाइप की चीजें भी हैं, लेकिन योगी जी कलाकार आदमी है, हैंगिंग झील बनाकर, ऊपर भगवान, नीचे दुकान और बीच में नदियां तूफान। पिकासो होता तो मोनालिसा की पेंटिंग को कूड़ेदान में फेंक देता और गाजियाबाद की एलिवेटेड झील को मास्टरपीस घोषित कर देता। बताइए, रोजगार का इतना अच्छा मौका है और पब्लिक जाम के नाम पर रो रही है। प्रधानमंत्री रोजगार के लिए इतने परेशान है, लेकिन जनता उनके मन की बात समझने को राजी नहीं है कि 150 किलो मछली के अंडे लाकर डाल दे। महीने दो महीने में 100-200 क्विंटल मछली तो ऐसे ही हो जाएगी। दाना वाना योगी जी डलवा ही देंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ वालों को बढ़िया ताजे पानी की स्वादिष्ट मछली। आप जब क्रिकेट देखने जाते हो तो क्रिकेट के मैदान में नेशनल एंथम नहीं होता। आप जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी हॉल में नेशनल एंथम नहीं होता। हम कहीं पर खड़े होते हैं, वहाँ नेशनल एंथम नहीं होता। हे राष्ट्रवादी, शांत शांत, भारत माँ के सपूत शांत। ये जो सफेद कमीज वाले भाई साहब है ना, बहुत बड़े पार्षद है। उलस उलस कर कहा था कि हाँ हाँ राष्ट्रगान गाना होगा, तो हमने कहा गाकर सुना दीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम प्रणाम मातरम। बस भैये बस, बंकिम चंद्र जिंदा होते तो कसम से इनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेते, हमने ऐसा तो नहीं लिखा था। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों ही आते हैं। अगर इसको आना कहते हैं तो सर जी जाने दीजिए, भारत माता पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। कोटा चलिए, कलेजा फट जाएगा भावनाओं का ज्वार देखकर। राष्ट्रगान से ही किसी भी बैठक का शुभारंभ होना चाहिए और राष्ट्र, आप कौन सा बता रहे थे, राष्ट्रगीत से ही उसका समापन होना चाहिए। क्या विचार है, कसम से मानना पड़ेगा। उफ, मन इमोशनल हो जाता है। बीजेपी की एक और पार्षद का पाखंड पड़कते हैं। ये तो सभी को आता है, बच्चों को आता है, पार्षदों को नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा मैडम, क्यों नहीं आएगा, लेकिन आपको आता है क्या? तो प्लीज जल्दी से सुना दीजिए। वंदे मातरम शुभलाम शुभ। वाह वाह वाह, अजी याददाश्त पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। मेरा गला बैठा है 3 दिन से, आप सबको मालूम है, लेकिन मैंने कहा था एक नारा मैं लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। हे राष्ट्रवादी शांत शांत, भारत माँ के सपूत शांत। मेरा गला बैठा है 3 दिन से, आप सबको मालूम है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, करते रहना होगा, करते रहना होगा, सभी करते रहिए। वाह 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 उस्ताद वाह, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। क्या विचार है, कसम से मानना पड़ेगा। उफ, मन